आपके पास सैमसंग गैलेक्सी A35, M35 या कोई और फ़ोन है तो यहाँ पे नोटिफिकेशन साउंड या रिंगटोन चेंज कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आप सेटिंग पे जाएंगे, इस टाइप से ऑप्शन आएगा, सॉरी, आपको यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक करना है, नोटिफिकेशन साउंड पे जाना है। यहाँ पे अलग अलग साउंड के ऑप्शन मिल जाएंगे। अब SIM 1 SIM 2 दोनों के लिए आप अलग अलग लगा सकते हैं। जैसे कि SIM 1 पे मैंने क्लिक किया तो सबसे पहले यहाँ पे वॉल्यूम का ऑप्शन आ जाता है, तो नोटिफिकेशन का वॉल्यूम कितना तेज़ या कम चाहिए ये आप देख लेंगे। और नोटिफिकेशन वाइब्रेशन यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, अलग अलग पैटर्न आपको मिल जाते हैं, ठीक है। और अगर वाइब्रेशन का पैटर्न आपको, मतलब साउंड धीरे चाहिए वाइब्रेशन, तो आप कम कर लेंगे यहाँ से, और वाइब्रेशन को साइलेंट करना है साइलेंट कर लेंगे, बाकी सिंक करना है नोटिफिकेशन के साथ तो सिंक कर लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग वाइब्रेट होगा। तो जिसे आप सेलेक्ट करेंगे वही चीज़ सेट हो जाएगी। बाकी आप यहाँ पे अलग अलग रिंगटोन्स के ऑप्शन मिल जाएंगे, तो जो नोटिफिकेशन के लिए आपको रिंगटोन चाहिए वो आप सेट कर लेंगे कोई बढ़िया सा। यहाँ पे कैटेगरी मिल जाती है, जैसे कि काम हो गया, रेट्रो हो गया, ठीक है, कोई सा भी आप सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन साउंड चेंज हो गया है। अब यहाँ पे आ जाता है SIM 2 के लिए, तो SIM 2 के लिए भी सेम प्रोसेस है, आप अप्लाई कर लेंगे। ऐसे करके मैंने चेंज कर लिया है, बैक कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।